अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए। मेरा नाम है शेरोज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएल लाइफ। दोस्तों ये देखें, अभी जो है वो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। अभी बादल आए हैं जी, ये देखें यहाँ से बादल आ रहे हैं और बारिश जो है वो हल्की हल्की होने लगी है। ये देखें आप, हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं। डक्स को मैंने खुला रखा हुआ, मुर्गियों को भी, मुर्गियों के खुटे में मैंने चूजे छुपे हुए हैं। मैं सबको खाना डाल रहा था, इतने में जो है वो बादल आ गए हैं। ये देखें अंधेरा हुआ पड़ा है। ये देखें अभी मैंने सबको खाना डाला ही है। ये देखें इनको भी यहाँ हमारे चूजों को साथ मैंने आज रोटियाँ भी डाली हैं इनको। और यहाँ से जो मैंने यहाँ पे वो लगी हुई थी ना, ये पोनी, ये उतार के मैंने इनको लगा दिया वो सामने एंड पे। और ये रही जी हमारी फिंचिस, पता नहीं जी ये कब अंडे देंगी। सबकी फिंचिस ने, मेरे दोस्त की फिंच ने बच्चे भी निकाल दिए लेकिन ये अंडे ही नहीं दे रही। तो इंतज़ार ही कर सकता हूँ कि कब देगी जी अंडे। और अब हम जो है वो अपने पिजन को देख लेते हैं, जो बीमार था बेचारा उसको भी देख लेते हैं। ये देखें बारिश जो है वो होने लग गई है। किधर है, किधर है, हैं किधर गया? यहाँ भी नहीं है, इसके नीचे वो बैठा हुआ है, वो पीछे क्रेट के नीचे बैठा हुआ है। कहीं मर तो नहीं गया? दोस्तों हिल तो वैसे नहीं रहा, ये अंदर बैठा हुआ है, वो सामने क्रेट के नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, वो सामने क्रेट के नीचे आप देख रहे हैं दुम, ये उसकी दुम है, ये ब्राउन वाला कबूतर जिस क्रेट में है उसके अंदर बैठा हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं बाहर निकाल के। और बारिश देखें दोस्तों काफ़ी तेज़ हो गई है। तो हम अपनी मुर्गियां वापस से जो हैं उनके पिंजरे में रखते हैं और चूज़े यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि मुर्गियां हमारी भीग जाएंगी, ये ना हो कि ये बारिश से बीमार हो जाएं। दोस्तों सिर्फ चंद सेकंड में ये देखें बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और रज़ानों का भी टाइम हो गया है तो उसको बंद कर लेते हैं हम वीडियो को। दोस्तों मैं जो है वो यहाँ पर बैठ गया हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये मेरे जो डक्स हैं ये भी खुली हुई हैं और इसके अलावा मुर्गियां जो है वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी जो है वो बारिश में बैठ जाऊँ, तो मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूँ बारिश को। और ये देखें जी हमारी बत्तखों ने ना मुर्गियों के खुडे के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये देखें हमारी मुर्गियाँ ना बेघर फिर रही हैं। और बारिश जो है वो कभी स्लो होती है, कभी तेज़ होती है, कभी स्लो कभी तेज़। देखें अभी मैंने कहा ही है कभी स्लो कभी तेज़, तो साथ ही तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। अब इसने स्लो हो जाना है, थोड़ी सी देर में इसने स्लो हो जाना है। बाकी तीन बत्तखें इधर भाग गई हैं, यहाँ पे वो एक रह गई है, उसने शोर मचाया हुआ है। दोस्तों ये और तेज़ हो गई है, स्लो नहीं हुई, हो गई, ये भी भाग गई, वो देखे निकल गई है। और बारिश भी स्लो हो गई है, मुर्गियां कर लेते हैं जी बंद। दोस्तों मैं पानी भरने आया था मुर्गियों के लिए, बारिश जो है और तेज़ हो गई है। ये देखो दोस्तों मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, ये जो बेबी पिजन है जिसको दाने निकले हुए थे, ये वो वहाँ ईंटों के नीचे बैठा हुआ क्रेट के ना, ये ब्लू कह रहा हूँ ब्राउन वाले कबूतर के नीचे। तो मैं अब अंदर चला ही जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो है ना वो मर गया है।
ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो काफ़ी देर हो गई जब से मैं छत में हूँ, वो उसके नीचे ही है। तो इसको जाकर देखते हैं, बारिश भी जो है वो नहीं रुक रही अभी, तो इसको अंदर जाके देखते हैं। मैं दोस्तों अंदर आ गया हूँ, दरवाज़ा कर लेते हैं बंद क्योंकि बारिश हो रही है, कबूतर डर के बाहर आ सकते हैं। चलो उतरो, और ये भी देख लेते हैं इसने दूसरा अंडा दिया है या नहीं। माशाल्लाह दोस्तों दो अंडे हैं, ये दूसरा अंडा भी दे दिया है इन्होंने। ये रहे जी ब्लैक और ब्राउन इनके अंडे हैं ये, और ये हमारा जो पिजन है। ओहो दोस्तों ये देखें, ये बेचारा जो है वो मर गया है जी, मच्छरों ने इस बेचारे का बुरा हाल कर दिया। और ये देखें ये मर गया, और ये देखें इसके कितने दाने थे। ये देखें दोस्तों हमारा बहुत ही प्यारा जो बेबी था पिजन का, वो मर गया। ये देखें जी इसके मुंह के अंदर भी मच्छरों ने काटा हुआ था, ये देखें दाना, ये देख रहे हैं आप, ये दाना निकला हुआ है इसके चोंच के ऊपर, बेचारे के सर के ऊपर, ये पूरे। और यहाँ पे आँख तो इस बेचारे की ये वाली खुली नहीं थी, इसका बहुत बुरा हाल किया मच्छरों ने। चलें इसको लेके चलते हैं बाहर, इसकी बेचारे की इतनी ही ज़िंदगी थी। किधर इसके माँ बाप, ये देख लो तुम्हारा बच्चा, तुमने इसको खाना भी नहीं खिलाया है ना। ये है इसकी माँ, वो उसका बाप है वाइट वाला, ये देख लो तुम्हारा बच्चा। दोस्तों मैं काफ़ी देर से जो है वो ऊपर आया हुआ था, मुझे था कि जो हमारा पिजन है ना ये छुपा हुआ है, वैसे ही ईंटों के नीचे गया हुआ है, इस वजह से शायद बैठा हुआ छुप गया, क्योंकि दो तीन दिन पहले भी वहीं पे बैठता था, रात को वहीं सोता था, फिर सुबह बाहर आ जाता था। मुझे यही था कि वैसे ही बैठा हुआ, लेकिन ये देखें जी ये बेचारा जो है वो हमें छोड़ कर जा चुका है। इसके पैरों पे भी काटा है, जगह जगह मच्छरों ने बुरा हाल किया हुआ है जी इसका। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी, बेचारे की ज़िंदगी इतनी थी। और दोस्तों यहाँ पे देखें, मैंने जो है यहाँ ये एक स्टिक इधर और एक स्टिक वहाँ लगाई हुई है। मैं जिस बंदे से ये लेके आया हूँ ना, जिस अंकल ने मुझे ये दी है असील, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने असील चूज़े या कोई भी चूज़े रख रहे हैं ना पास, तो आपने पिंजरे में स्टिक्स ज़रूर लगा ली हैं। वो मैंने कहा वो क्यों, कहते हैं वो जब उस पर बैठते हैं तो उनके पाँव मजबूत होते हैं, तो इस वजह से मैंने जो है वो यहाँ पर लगा दी हैं। और दोस्तों अब इसको जो है वो हम लेके चलते हैं और दफना देते हैं, बारिश भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ। दोस्तों अभी हमारी बिल्लियों को मैंने खाना डाल दिया है, और अब मैं जो है वो ऊपर जा रहा हूँ अपने जानवर देखने के लिए। इस टाइम रोज़ जाया करता हूँ, तो साथ में जो वीडियो भी बना लेता होता हूँ, तो मैं ऊपर आ गया हूँ। और सील चूज़े हमारे यहाँ पर हैं, जो हमारे बड़े चूज़े हैं वो इनको मारते हैं, तो मैं इनको जो है सुबह के टाइम बाहर शिफ्ट कर दिया था, और अब मैंने जो है यहाँ रात के टाइम बंद कर दिए हैं, तो अभी ये नहीं लड़ रहे। एक दफ़ा मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा ही देता हूँ, ये यहाँ पर ये देखें ये बैठे हुए हैं, और ये पिकाचू रहा जी हमारा। बाकी सारे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, एक दफ़ा बाहर मुर्गियां देख लेते हैं, कबूतर देख लेते हैं, और डक्स देख लेते हैं अपनी। दोस्तों मैं बाहर की लाइट जला के आ गया हूँ जी कबूतर देखने, जाली से तो इस टाइम नज़र नहीं आता। हाँ जी आजकल वो उन्होंने अंडे दिए हुए ना, तो लक्का इनकी जगह पर बैठ रहा है, ये देखें जी। दोस्तों मेरे ऊपर आने का एक फ़ायदा हो गया, ये देख लें आप, मुर्गियाँ तो हमारी ठीक हैं, और वो देखें जी वहाँ अंडा पड़ा हुआ है। शाम के टाइम आपने देखा इन्होंने अंडा नहीं दिया था, जब बारिश हो रही थी उसके बाद भी मैं काफ़ी देर ऊपर ही रहा हूँ, तो तब तो इन्होंने खैर अंडा नहीं दिया, तो जैसे ही मैं गया हूँ मुझे लगता है इन्होंने तब अंडा दे दिया होगा, और अब वो पीछे पड़ा हुआ है। तो अंडा भी निकाल लेते हैं, और साथ में जो है ना डक्स को देख लेता हूँ पहले मैं, फिर जो है वो मैं अंडा जो है उठा लेता हूँ।
दोस्तों मैं अंडा उठा के ले आया हूँ और इसको मैं इधर रखने लगा था, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने जो है वो अपने यहाँ पे बजीज रख दी हैं। इनको भी जो है इंशाल्लाह मैं सुबह जो है वो मटकी लगा दूंगा, क्योंकि ये जो है ये इस सीज़न में ब्रीड जो है वो कर लेते होते हैं, तो इनको भी लगा दूंगा मैं मटकी सुबह लगा दूंगा। और ये वाला जो अंडा है यहाँ पे, ये देखें एक मटकी है जहाँ मैं कलेक्ट कर रहा हूँ जी, यहाँ पे मैं जमा कर रहा हूँ। ये देखें हमारे पास जो है वो अब 6 अंडे हो गए हैं। आज ज़रा मुर्गियों ने बड़ा लेट अंडा दिया। और ये टोकरी देखें आप, मैं इसमें जो है हमारे फील चूज़े बंद कर गया था, क्योंकि बड़े बड़े चूज़े उनको मार रहे थे, इस वजह से मैंने कहा बंद कर देता हूँ। तो अब तो लाइट यहाँ की बंद थी, तो ये सुकून से बैठे हुए थे सारे। अब इन्होंने फिर से उठ के जो एक दूसरे को ना मारना शुरू कर देना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हमारा जो बेबी पिजन था वो जो है वो आज भी बेचारा चला गया हमें छोड़ के। खैर मच्छरों का कोई ना कोई हल करूँगा मैं, तो इंशाल्लाह आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।